अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोर यह बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोर ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि महानूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों के फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, इसी वजह से ये अलग हो गए हैं। लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महानूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में ना सिर्फ बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। काला डोरिया ड्रामा जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस ड्रामे की स्टोरी है, यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महानूर, यानी महानूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महानूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महानूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट इंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोरिया ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि महानूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों के फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, इसी वजह से ये अलग हो गए हैं। लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महानूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में ना सिर्फ बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। काला डोरिया ड्रामा जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस ड्रामे की स्टोरी है, यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महानूर, यानी महानूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महानूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महानूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट इंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोरिया ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि महानूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों के फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं,
इसी वजह से ये अलग हो गए हैं, लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महनूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में ना सिर्फ बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। कलर डोरिया ड्रामा, जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस नाम की तरह ही इस ड्रामे की स्टोरी है। यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महनूर, यानी महनूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महनूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलतफहमियां थी, वो आहिस्ता दूर हो जाएंगे इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महनूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट एंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से काला डोरिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोरिया ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि महनूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों की फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, इसी वजह से ये अलग हो गए हैं। लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महनूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में ना सिर्फ बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। कलर डोरिया ड्रामा, जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस ड्रामे की तरह ही इस ड्रामे की स्टोरी है। यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महनूर, यानी महनूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महनूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलतफहमियां थी, वो आहिस्ता दूर हो जाएंगी इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महनूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट एंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से काला डोरिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोरिया ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में ना सिर्फ रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि महनूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों के फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, इसी वजह से ये अलग हो गए हैं। लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महनूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में ना सिर्फ बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। कलर डोरिया ड्रामा, जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस ड्रामे की तरह इस नाम की तरह ही इस ड्रामे की
स्टोरी है, यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महानूर, यानी महानूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महानूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो आहिस्ता दूर हो जाएंगे इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महानूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट एंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट वाला ड्रामा है। काला डोरिया ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर हिट जाने वाला है ड्रामा, बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़िम फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़िम आप देखेंगे कि जैसे कि महानूर और असफी दोनों कज़न हैं, लेकिन इन दोनों की फैमिली के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई हुई हैं, इसी वजह से ये अलग हो गए हैं। लेकिन एट द एंड ये दोनों एक हो जाएंगे और असफी और महानूर की शादी हो जाएगी। कुछ ना कुछ घर में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस ड्रामे में नाज़िम बहुत इंटरटेनमेंट लाई गई है और बहुत इंजॉयमेंट है। काला डोरिया ड्रामा जैसे इसके नाम से जाहिर है, इस नाम की तरह ही इस ड्रामे की स्टोरी है, यानी असफी एक तरफ परेशान अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और दूसरी तरफ महानूर, यानी महानूर असफी का आमना सामना हो जाएगा और लड़ाई झगड़े में ही महानूर और असफी एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और फिर जो दोनों फैमिलीज के दरमियान इख्तलाफात थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो आहिस्ता दूर हो जाएंगे इन दोनों की शादी हो जाने के बाद। यानी जो मेन इस ड्रामे के करेक्टर है वो असफी और महानूर है और इन दोनों से इस ड्रामे में बहुत जान आई हुई है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की स्टोरी और इसकी सारी सुपरहिट एंटरटेनमेंट कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।